जैसे कोई 50% छूट या इस तरह की छूट, जो भी चीज़ जिसमें कोई वन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नहीं चल सकती है, तो वो कंसेशनल रेट वाले पैकेज बंद हैं। जो काम स्टार्ट हो चुका है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई नया काम स्टार्ट नहीं हो सकता, नए टेंडर फ्लोट मोबाइल रिटेल बंद हो गया। और फूड पैकेट जो योजना है वो तो फूड पैकेट योजना क्योंकि पहले से चालू हो गई थी वो रहेगी। जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को राशन मिलता है या पेंशन मिलती है जो कंटिन्यू चल रही है, जो बेनिफिशरीज कंटिन्यूली एडिंग है उनकी चलेगी, लेकिन उसमें फूड पैकेट में कहीं भी चित्र फोटो नहीं होना चाहिए, सीएम का फोटो नहीं रहेगा। अब जैसे मैम ये लोगों को जो फोटो पैकेट वितरित किए थे और जो टी शर्ट्स वगैरह थी उसमें जैसे सारे लोगों के पास में देखते हैं कि थैले लेके घूम रहे हैं, अब थैले तो उस पे नहीं रहेगा, नहीं हो सकता ना। नहीं जैसे लोगों को वितरित कर दिए ठीक है तो वो लेके घूमेंगे तो उसमें कुछ होगा ना, उनके पास है लेकिन अब कोई कैंडिडेट या अब कोई पार्टी वितरण नहीं कर सकती है, वो तो चलेंगे मार्ग वो तो उस व्यक्ति का हो गया, वो पर्सनल यूज में ले सकता, वो पर्सनल यूज कहीं प्रचार नहीं कर सकता उसका, सब्जी तो ले आएगा मतलब नहीं, किसी ने टी-शर्ट पहन रखी है लेके घूमेगा, टी-शर्ट पहन रखी है ओलंपिक्स की और वो सब, तो वो उसका वो दैट इज नाउ हिज पर्सनल पोजेशन नॉट तो मैडम ये राजनीति व्यक्ति तो थैले को लेके प्रचार में नहीं जा सकता, प्रचार नहीं करेगा, प्रचार कुछ नहीं, नहीं जैसे सर वो क्या जैसे हजारों की संख्या में जो टी शर्ट वितरित हुई है ना तो कुछ लोग थोड़ी सरकार में समूह बना के उसको निकलेगी, एक माहौल क्रिएट करेगी सब, पर्सनली जा रहे हैं आपके संग जाना चाहते थोड़ी कहोगे मैं आपके साथ हूँ, आप जो बोल रहे हैं लोग समूह बना के चलेंगे और ये होगा तो वो वैसे भी अभी निषेधाज्ञा लगी हुई है, वो नहीं हो सकता। मैं वही तो बोल रही हूँ, जो पहले मिल चुका है वो वर्तमान में उस चीज को पहन रहे हैं या उसे थैले की तरह यूज कर रहे हैं वो एनसीसी का वायलेशन नहीं है, लेकिन उसका कहीं चुनाव के रूप में प्रचार के रूप में अगर यूज किया जा रहा है तो वो वायलेशन है। हाँ वो तो यूज कर सकता है समूह के रूप में, प्रचार के रूप में यूज नहीं करेगा,